अभी हाल ही में रिलायंस का एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी अनाउंस करते हैं कि आने वाले दिवाली में वो अपनी 5G सर्विसेज लॉन्च करेंगे। अगर आपको जानना है कि क्या होता है 5G नेटवर्क, तो इसके ऊपर हमने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें हमने सिंपल शब्दों में बताया हुआ है कि क्या होता है 5G नेटवर्क। वीडियो को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कीजिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिलायंस जियो के 5G नेटवर्क में आने वाले फीचर्स, किस किस शहरों में ये लॉन्च होगा, इससे हमें और आपको क्या फायदा होने वाला है, और इससे जुड़ी कुछ रिक्स जिससे हमें बचना चाहिए। यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंच सके। मुकेश अंबानी जी ने कहा है कि जियो का 5G नेटवर्क वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और एडवांस स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले यह जान लेते हैं कि क्या होता है स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क, क्यों स्टैंड अलोन पर इतना फोकस किया जा रहा है। दो तरह की 5G सर्विसेज होने वाली है, एक है स्टैंड अलोन 5G सर्विस और दूसरा है नॉन स्टैंड अलोन 5G सर्विस। स्टैंड अलोन 5G सर्विसेज का मतलब है यह पिछले 4G LTE बैंड पे डिपेंडेंट नहीं होगा, यह पूरा 5G कोर नेटवर्क होगा, जिससे फास्ट कनेक्टिविटी, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन हाई स्पीड में हो पाएगी। वहीं नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क एग्जिस्टिंग 4G LTE नेटवर्क पे डिपेंडेंट रहेगा, इसमें जो पिछले 4G के टावर थे उसी का इस्तेमाल किया जाएगा। इंडिया में जियो एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क प्रोवाइड करेगी, जिसके लिए मुकेश अंबानी जी ने 2,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। यह फर्स्ट फेज में 4 शहरों में लॉन्च किया जाएगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। जियो डे 1 से ही 100 मिलियन यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रेडी है, और दिसंबर के 2023 तक यह पूरे देश में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने लगेगी। स्टैंड अलोन नेटवर्क होने के कारण इसे ट्रू 5G नेटवर्क भी कहा जा रहा है। हाल ही में 5G का ऑक्शन भी कंप्लीट हुआ है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का कहना है कि जियो ने लार्जेस्ट एंड मोस्ट एप्रोप्रिएट मिक्स्ड वायरलेस 5G स्पेक्ट्रम एक्वायर किया है, जिससे जियो को दूसरे ऑपरेटर से ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी। ग्लोबली जियो ने 3500 MHz मिड बैंड और अल्ट्रा हाई स्पीड कैपेसिटी के लिए 26 GHz वेब बैंड हासिल किया है, और जियो एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने 700 MHz लो बैंड स्पेक्ट्रम एक्वायर किया है, जो डीप इंडोर कवरेज देने में मदद करेगी। 5G स्पेक्ट्रम खरीदने के लिस्ट में जियो सबसे ऊपर है, जिसने 88,078 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिससे उसे 24,740 MHz 5G एयरवेव्स मिली है, जिससे 4G के मुकाबले 10 गुना ज्यादा स्पीड में इंटरनेट प्रोवाइड कर सकती है। उसके बाद नाम आता है एयरटेल, जिसने 43,084 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं 5G एयरवेव्स को पाने के लिए। बाकी के डिटेल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ जियो ने जियो एयर फाइबर लॉन्च किया है। यह एयर फाइबर वायरलेस होने के कारण रेडियो बेस्ड सॉल्यूशन पे काम करता है। पहले जितने भी ब्रॉडबैंड सर्विसेज आते थे वो वायरलेस नहीं होते थे, बट एयर फाइबर के आने के बाद आपको एक एंटीना लगाना होगा, जिससे वो एंटीना पास के टावर से कनेक्ट कर लेगा और अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेगा विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इस एयर फाइबर से हंड्रेड ऑफ होम एंड ऑफिस को कनेक्ट कर सकते हैं। यह 1 GB का स्पीड देगी पर सेकेंड में। जियो और एक प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, वो है जियो क्लाउड PC। यह वर्चुअल PC हमें लोकल हार्ड ड्राइव और प्राइवेट डाटा सेंटर पर निर्भर रहने के बजाय डाटा को स्टोर करने के लिए रिमोट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिससे हमारा ओल्ड डाटा क्लाउड स्टोरेज में स्टोर हो जाएगी। यह वर्चुअल PC और ट्रू 5G के साथ जियो बहुत सी इंडस्ट्री और सेक्टर को मदद करेंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर सेक्टर और एजुकेशन। 5G लॉन्च तो हो रहा है, इसके फायदे के साथ साथ बहुत सी प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ेगा, जिसमें से सबसे बड़ा रिस्क है साइबर अटैक का। अब हम जानते हैं कि साइबर अटैक से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है वैसे वैसे हमें खामियां भी भुगतना होता है। तो इससे बचने के लिए हमें अपने डिवाइसेस में एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखने होंगे, और जरूरी मामले में VPN जैसे सर्विसेज का भी उपयोग करना होगा, जिससे कि कोई भी स्ट्रेंजर आपको और आपके काम पर नजर ना रख पाए। और हैकिंग से बचने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना बहुत ही जरूरी है, और रेगुलर डिवाइसेस के सिक्योरिटी को भी अपडेट करते रहना होगा। आप जब भी पासवर्ड सेव करें तो उसको अपने डिवाइस में सेव ना करें, जिससे और भी ज्यादा साइबर अटैक होने के चांस बढ़ जाते हैं।
आज के लिए इतना ही। इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।